रहा है यार? तू लड़की को देखकर मारा क्या? नहीं यार, बॉल को देख के मारा था। वहाँ देख कैसे जंपिंग कर रही है। क्या हुआ तुझे? सत्यावती को ऐसे क्यों घूरते हो? वहाँ खेल रही है वो, मेरी सत्यावती, मेरी इंदुमती। ये सब तो खो गया यार। रोज शाम को छुप छुप के खेलती है, अब जाके पता चला उसकी मोटी होने का राज क्या है। चुप हो जा, मेरी सत्यवती के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरी जीभ काट दूंगा, समझा? सत्यवती तेरी कैसी हुई? तूने सुहागरात मनाया क्या उसके साथ? तू शादी करी क्या उसके साथ? वो मेरी सत्यवती है। थैंक यू। वो मेरी सत्यवती है, मेरी जान, दिल की धड़कन सत्यवती। पहले गीता से प्यार करते थे, अब क्या हुआ? वो मुझसे सेट नहीं हुई। वो सेट नहीं हुई तो यहाँ इसको सेट करने चलाया, अब इसको करचिप डाल रहा है। ये करचिप क्या है यार? तू चुप कर भाई, ये करचिप देगा तो मैं टॉवल दूंगा। तू टॉवल देगा तो मैं अपने सारे कपड़े हमारे साथ खेल में नहीं है, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ये मेरा प्यारा बेटा है, मेरा बेटा, मेरी किताब में क्या लिखा हुआ है ये पहले से ही जान लेता है, एकदम सोना है। इसको बेच दूंगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे तो आप इन लोग से पूछ लो, मैं सत्यवती को पहले ही सेव कर चुका हूँ। चुप हो जा पागल, तुमने क्या सेव कर दिया? जब तेरे घर में चुपके से पी रहे थे तब तूने कुछ नहीं कहा, और जब अंदर दारू पी रहे थे उस टाइम भी तूने कुछ नहीं कहा, समझा? और अब बोल रहा है? छोड़ो मुझे, मैं बताता हूँ। सर पे पड़ गई यार, क्या प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो यार, पहले से देख लो सलीम, अनारकली, लैला मजनू, टाइटैनिक, सबका प्यार फेल हो गया। अरे ये तो फिल्म में ऐसा ही दिखाते हैं यार, सुनो ये ऐसे नहीं समझेगा। रेडी, 1 2 3 4। नहीं डरना, देवदास पारो सलीम अनारकली जैसे है प्यार करना, खुल के करेंगे जो भी है करना, है नहीं मरना। प्यार ही तो है एक जिंदगी, इससे बड़ी नहीं है खुशी। प्यार में जीना, प्यार में मरना, प्यार ही है करना, प्यार बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, दुनिया से नहीं डरना। इंटरनेट पर चैटिंग करना, प्यार से अपने फिर है मिलना, पिज्जा बर्गर मिलके खाना, उसके संग है वक्त बिताना, ऐसी है अपनी तो लाइफ है ये, ऐसी है जो भी है चाहत मेरी है, लव से है डिस्को क्लब, लव से है कोस्टी पब, एक दिन हम भी जाएंगे, मिल जाएगी वो जब वो तो है। प्यार ही है करना, प्यार बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, दुनिया से नहीं डरना।
खुदी में खोया रह गया, इधर उधर ढूंढे नजरे, दिल को कहीं चैन न मिलता, ऐसी है अब तो लाइफ ये मेरी, वो कैसी जैसी है चाहत मेरी, मस्ती में मुझको है रहना, दिल दिल में प्यार है करना, वो है बड़ी पैशन वाली, संग उसके है अब रहना, वो तो है मेरे सपनों की मलिका, हम करेंगे जो भी करना, प्यार में जीना, प्यार में जीना, प्यार में मरना, प्यार ही है करना, प्यार बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, दुनिया से नहीं डरना, देवदास पारो सलीम अनार कली जैसे है प्यार करना, खुल के करेंगे जो भी है करना, है नहीं मरना, पैदा किया है तो खिलाना भी तो पड़ेगा। क्यों रे, दोनों लोग साथ दोस्ती क्यों रखता है? उनमें से एक भी किसी काम के है क्या? सारे के सारे आवारा है, यूजलेस फेलेस, यूजलेस ग्रेडी। तुम चुप रहो, बीच में टांग मत दौड़ाओ, वो टिंगू तो नालायक नंबर वन। क्यों रे, तुझे किसी भी सब्जेक्ट में 30 मार्क्स से ज्यादा है क्या? हा? खाली ताड़ की तरह लंबा हो गया, शकल देखो और अपनी अकल देखो, और ये कपड़े देखो, लड़कियों के जैसे पहन के लड़कियां पटाएगा। चीची सुन, मैंने कंपाउंडर का भले काम किया, लेकिन तू जब से पैदा हुआ सिर्फ डॉक्टर बनाने का सपना देखा मैंने। भले तू डॉक्टर मत बन, ये चलेगा, लेकिन लोफर तो मत बन, आवारा तो मत बन, नालायक तो मत बन। खाब मुझे नहीं खाना है। सुन बेटा, खाने को ऐसे नहीं छोड़ते, खा लो बेटा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंदू बेटा, अभी आपको तसल्ली हो गई, बेटे को खाने भी नहीं दिया। तुम रहने दो, उसकी परवाह मत किया करो, सारा जीवन का हमारी छाती पे बैठ के मूंग दलेगा। भूख का दर्द क्या होता है उसे पता चलेगा, जब भी आता है प्यार से बिठा के उसको ठुसवा देती हो बस। अरे कल तो टीवी देखने के लिए पार्वती के घर गया था क्या? देख रहे थे तो मैं आराम से पार्वती को देख रहा था। देखा क्या? अरे देखने के टाइम उसके बाप को पता लग गया कि मैं उसे देख रहा था। जब उसका बाप इसे मारने लगा तो पूरी कॉलोनी वाले जमा हो गए, तो ऐसे ही न्यूज बन गई इसकी। खबर खत्म हुई, सबक है, देखते रहिए टीवी 9। अभी तुम लोग सब हंसो, लेकिन कभी ना कभी मैं उसे लाइन पे लाऊंगा, और इसके बाद तुम लोग सब लाइन पे खड़े रहोगे, एक ही लाइन पे लगे रहोगे। चलो जावे जा, तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? करेक्ट, हम लोग साइड में चल रहे, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? तुम लोग बहुत बड़े भाई, चल रहा दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को? अंदर डालूंगा तुम लोग को। हाजी साहब नमस्कार। अभी नहीं आ सकती, बाद में आऊंगी। क्यों बेटा, वहाँ पे क्या देख रहे हो? हैं? अरे कॉलेज छोड़ के मुजरा करने की प्रैक्टिस कर रहे हो? क्यों बाला, तू भी इन लोगों की तरह लव मैटर में फंस गया क्या? या ये तो कॉलेज वाली पद्मा है। अरे ये तो मुझे बहुत लाइन देती है, लेकिन मैं ही घास नहीं डालता। ठीक है ठीक है, अगर हम थोड़ी देर भी यहाँ रुके ना तो उसका भाई हमारे दांत निकाल देगा पूरे। हाँ उसका भाई डेंटिस्ट है क्या? नहीं फ्रैक्चरिस्ट। रुको, तुम कहाँ जा रही हो ऐसे? टिफिन इधर लाओ। अरे जल्दी दो, देखना है इसमें क्या है। ये क्या, वेज लाई हो? नॉन वेज नहीं लाई क्या? नॉन वेज नहीं खाती, वेज हूँ। अरे, अरे, अरे क्यों तुम नॉन वेज नहीं खाती हो क्या? है? अरे ये लड़कियाँ ऐसी होती हैं, घर में खूब दबा के चिकन खाती हैं और बाहर बोलती है मैं डाइटिंग की हूँ। अरे ये लड़कियाँ सब ऐसी होती हैं यार, घर में रहेंगी तो दबा के खाएंगी और कॉलेज में आती हैं तो स्पून से खाती हैं। ये तो पूरा चिकन खा लेगी, दिखने में सीधी सादी लग रही है लेकिन चिकन खाती है ये। ये ले हमारा टिफिन बॉक्स, जा ऐसे। अरे बस चली, मुझे मारती है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। कहो ना। नहीं नहीं मैं नहीं कहूँगा। तुम कहो ना, तुम कहो। बोलो ना। कुचुर कुचुर कर रही हो तुम। वो क्या है ना पद्मा, आज सिनेमैक्स में नई फिल्म रिलीज हुई है और ये तुम्हारे साथ फिल्म देखने के लिए तड़पता रहता है। बिल्कुल बालू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग बढ़ गया। मेरा भाई हिटलर है, पता चलेगा तो मार डालेगा उसको। ये तुझे दोनों को। अरे इसे तो नो प्रॉब्लम।
अगर तुम्हारा भाई मिल गया तो उससे मैं निपट लूंगा। तेरी तो 1.5 फुट का है और बातें बड़ी बड़ी करता है। सुनो पद्मा, ये बहुत दिनों से तुम्हारे साथ फिल्म देखना चाहता है। देखो टिकट भी लेके आया है, इसके साथ जाओ और फिल्म देख के आओ ना। प्लीज पद्मा मना मत करो। अरे पद्मा को इंटरेस्ट नहीं है यार, चलो चल के क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है मैं चलूंगी, बस एक कंडीशन पर, इंटरवल तक देखकर घर चली जाऊंगी। ए बाला एबीसीडी, तू पद्मा के साथ जा। क्या हुआ, तू क्यों दुखी हो गया? देख ये दोनों जा रहे हैं, चल जा एंजॉय कर। हां जाओ आराम से। अरे आर्या फिल्म में हीरो ने हीरोइन से प्यार किया तो लोगों ने ताले बजा के उस फिल्म को 100 डे चलाया। उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ तो मुझे बेवकूफ कहते हो? तुम लोग नहीं सुधरोगे और मुझे भी नहीं सुधरने दोगे। अरे वो चिरंजीवी का दामाद है और तू करेक्टर आर्टिस्ट का बेटा भी नहीं है। अरे हाँ क्यों नहीं। कहाँ जाना है भाइयों? हम ऑटो में सिनेमा जाना चाहते हैं भैया। हम भी वहीं जा रहे हैं, छोड़ देते। ये शेयर ऑटो की तरह शेयर जीप है क्या? हम तो एक आदमी का 3 रुपए ही देंगे भाई। हम लोग फ्री में छोड़ देंगे, आ जाइए। सुबह सुबह आज अच्छे मुंह देख के आए थे। नमस्ते सेठ जी। क्या ये सेठ क्या बोल रहा है? दस्तखत नहीं कर रहा है भाई। 10 लाख रुपए देंगे कहा तो क्या? नहीं मान रहा है भाई। क्या मानूं? वो 10 करोड़ रुपए की जगह है मालूम है, उसे आप 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मर जाऊंगा पर नहीं बेचूंगा। बेचेगा, जरूर बेचेगा, मेरे अलावा किसी और को नहीं बेच सकता। ए राहु काल खत्म होने से पहले मुंगा निकालो रे। ये कौन लोग हैं भाई? आपकी बहन के पीछे घूमने वाले कौन है बताओ? हमारी जान भी चली गई फिर भी नहीं बताएंगे। पड़ा तो लव के लिए लीवर भी दे देंगे। अबे क्या बोल रहा है, लीवर नीचे होता है। हाँ तुमको तो बहुत दिमाग है, तो तुम लोग नहीं बताओगे? अगर जरूरत पड़ी तो फ्रेंडशिप के लिए हार्ट भी दे देंगे। मैंने सही कहा ना? ये लेफ्ट अबे। एक्सक्यूज मी। कुछ भी हो जाए पर हम लोग तुमसे डरेंगे नहीं। तुम लोग इतने बहादुर कब से हो? हम बचपन से ऐसे ही है जी। ऐसे ही रहना तुम लोग। नेचुरली सारा इंतजाम हो गया क्या? हाँ भाई रेडी है भाई। मुझे जलन हो रही है भाई, मेरा हाथ जल रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभी हाथ जोड़ के क्या फायदा, मुझे तो साइन चाहिए। छोड़ दो मेरा हाथ जल रहा है। इसका हाथ और डुबाओ, डुबा के रखो और डुबाओ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जो कहोगे मैं मानूंगा। छोड़ दो जो कहोगे मैं मानूंगा। ठीक है इसको छोड़ दो, लेके आओ। वो 10 लाख तो मेरे मुंह पे मार दो भाई। ये लो, गेट आउट। धोखा धोखा दिया तुमने मुझे भाई, धोखा। तो तुम लोग मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मर गया अम्मा। मार खा के क्यों आए हो? जरूरत थी पागल कहीं का। अरे तू चुप हो जा माँ, मैंने उनसे कोई पंगा नहीं लिया, वो पंगा खुद मेरे पास आया। दिमाग खराब हो गया भाई। अरे तू चुप हो जा भाई। मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा मेरे प्यारे बेटे को किसने मारा? अरे पापा पूरा बदन सुजा दिया मार मार के। अरे पापा उन लोगों ने बहुत मारा मुझे। तू मेरा प्यारा बेटा है, तेरे लिए दवा लाया हूं। देख देखा माँ, पिताजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। पिताजी मैं आपसे भी। मेरी धड़कन हो बेटा। पिताजी आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये देख के मेरे आंसू निकल रहे हैं पिताजी। वापस रोना नहीं बेटा। ये क्या है जी? मिर्ची पाउडर है। पिताजी 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 पिताजी। फिल्म देखने क्यों नहीं आए? अरे हम उधर गए थे तो तुम्हारे लवर के भाई ने हमको नॉनवेज डिनर कराया यार, याद आ रहा है? तुम लोगों को मारा क्या? ऐसे वैसे नहीं, वाइफ से मारा था यार। तुमने तो उस लड़की के साथ फिल्म देख के एंजॉय किया, लेकिन यहाँ तो असली फिल्म हमारी बन गई। देख हम लोग हीरो बन के घूम रहे। दोस्त चाहिए, लड़की चाहिए, फैसला करो। बाय। कल तुम लोग फिल्म देखने क्यों नहीं आए? फिल्म देखना अच्छा नहीं लगता। क्या? अरे ये चोट कैसे लगी तुम लोग? खेलते खेलते बालू तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तेरे भाई को पता चला तो जान से मार देगा तुम दोनों को। तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, इसी में तुम दोनों का फायदा है। चलो चल। अबे तेरे प्यार में पड़ना पड़ेगा लग रहा है। चलो देख, अगर ये हमारी बात नहीं मानेगा तो हम लोग इससे कभी बात नहीं करेंगे। सही कह रहे हो भाई। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें, हम लोगों को मरवा के ही मानेगा। अरे फाइनली उसको गैस स्टोव में जलाकर ही रहेंगे। मत रो पद्मा, मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं बोल रहा था ना वो प्यार के चक्कर में पड़ेगा, अब कबूतर की तरह डाना डाल रहा है। हाँ?
एक्सक्यूज मी, सुनिए मेरी बात सुनिए। हेलो, एक मिनट के लिए रुक जाइए प्लीज। अरे सुनिए तो, हेलो, अरे अरे रुकिए प्लीज, प्लीज रुकिए, अरे रुक रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए रुक जाइए। आपका गुलाब, आपके पीछे दौड़ के आने में इसकी सब पंखुड़ियां उड़ गई, बुरा मत मानिए। सॉरी जी, नाराज मत होना। okay. आपका नाम? मेरा नाम वैनिला है, घर पे सभी प्यार से मुझे रिंकी बुलाते हैं। हेलो रिंकी, मैं चंदू। अगर ये मुझे पसंद करती है तो मुड़कर देखेगी, 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 देख 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 देख। Yes, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो तुझे प्यार करती है क्या? अगर नहीं करती तो वो टूटे हुए फूल पर जिसपे कोई पंखुड़िया नहीं थी उसे अपने कानों में क्यों लगाती वो? हे, अगर मान लो उसने फूल की डंडी ले भी ली तो किसने कहा कि वो प्यार का सिंबल है? अरे यार, उसने सोचा होगा दूसरे गुलाब के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा तो उसे कान में लगा लिया। चुप हो जाओ, तुम लोग प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते। ए, प्यार के बारे में नहीं जानता मैं, हर रोज एक एक लड़की से प्यार करता हूँ, समझा? ओ, ऐसा है क्या? वो ऐसा नहीं है, मरने वाले प्रेमियों को अमर प्रेमी कहते हैं। ओ, तो तुम अमर प्रेमी हो इसलिए लड़कियां घास नहीं डालती। ए, बाला आ रहा है यार। अरे आने दो उसे, उससे हम बात नहीं करेंगे। अगर उसने बात की तो मजाक करना बंद करो, हमने गलती की है, हमें सॉरी कहना चाहिए बाला। चलो। हाँ, चलो 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 चलो। ए बाला, सॉरी यार, बेकार में तुझ पे गुस्सा किया यार, पद्मा और तुझे दूर करने की कोशिश की, सॉरी यार। इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं यार, कहता यार। मम्मी मम्मी, ओ गॉड, क्यों चिल्ला रही हो? मेरी बुक्स को यहाँ वहाँ किसने? अरे मुझे क्या मालूम, ये बता क्या हुआ? उसमें एक होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अरे कहाँ में एक होना चाहिए था? हे भगवान, क्या होना चाहिए था? हमेशा टेंशन देती रहती है। कहाँ रखा मैंने? थैंक यू भगवान जी, मिल गया। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, तुम इतने टेंशन में क्यों? टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, तुम इसे दूध लाने भेज रही हो? ऐसा लग रहा है कारगिल वॉर के लिए जा रहा है। चुप रहिए जी, बाहर बहुत ठंड हो रही है, बेटा कैसे जाएगा? सुनो बेटा, तुम नाश्ता करके फिर तुम आराम से जाना, ठीक है? सुनो, एक काम करो, इसे दोपहर का खाना भी खिला के भेजो। बेटा थोड़ा संभाल के जाना, रास्ते में कुत्ते होंगे। कोई बात नहीं माँ, मैं अपने साथ एक डॉगी को लेकर जा रहा हूँ, चलो बाय। अरे यार, मैंने जिंदगी में जो चीज कभी नहीं देखी तूने उसे आज दिखा दी। क्या है वो? उगते हुए सूरज को। सिर्फ आज का दिन है यार, कल से आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, घर वाले दूध नहीं मंगाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, कल से मैं मना कर दूंगा। तेरा बहुत धन्यवाद भाई। ए, इतना बड़ा होकर कुत्ते से डरता है क्या? अरे कुत्ते को तो चप्पल से मारना चाहिए। ये देख, देखा मैंने कैसे उसे मार के भगाया। अब वो कुत्ता भी समझ जाएगा कि इस टिंगू की जिंदगी में कभी नहीं आना, समझ जाएगा कुत्ता। उधर देख यार, अभी दो दो आ गए। भाग। अरे अरे बचाओ, अरे अरे भाग, अरे अरे कुत्ता मुझे काट लेगा, अरे बचाओ। सॉरी रिंकी, मैंने ध्यान नहीं दिया। बट इट्स ओके। तुम हर रोज यहाँ आती हो? हाँ, तुम भी आते हो क्या? हाँ। एक मिनट। अरे अरे बचाओ, अरे 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 मुझे काट लेंगे, बचाओ। अरे तुम घर का सामान कहाँ से खरीदती हो? सुपरमार्केट से। अरे 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 बोलो यार, कर गया। अरे यार, इस कुत्ते ने काट लिया तुझे। जिस लड़की के पीछे छोड़ के कुत्ते के पीछे क्यों पड़ गया? नहीं छोड़ो।
शॉपिंग कर रहे हो क्या? नहीं, शेविंग कर रहा हूँ। आपका भी कर दूँ क्या? बोलो। अरे तुम तो फनी जैसी बातें कर रहे हो। तो आप बहुत कनिंग बातें कर रहे हो। अरे आपका फेस तो बहुत ही क्यूट है। क्रीम पाउडर लगाते हो क्या? ए? क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तुम्हें दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए आया हूँ। इस ड्रेस में तो तुम एकदम माल लग रहे हो यार। ए, क्या चाहिए तुमको? तुम्हें क्या चाहिए? मैं सबको टच नहीं करता हूँ, जो मुझे पसंद आ जाता है मैं उसको टच करता हूँ और बहुत पैसा भी देता हूँ। ए, सुन लो, मैं उस टाइप का आदमी नहीं हूँ, समझ लो। फिर कौन से टाइप के हो? मैं उस टाइप का नहीं, मैंने नहीं, मैं भी उस टाइप का नहीं हूँ यार। मेरा ना एक मोबाइल का सुपर मार्केट है, मैं हर वस्तु को यहाँ से 1 रुपया कम भाव में बेचता हूँ। आपके पास कहाँ है? आसपास में कहीं और भी शॉप है क्या? है ना, देखोगे? ये देखो। अरे भाई चिल्लाना मत यार, किसी ने सुन लिया तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। मैं तुमको 15% डिस्काउंट दूंगा। एक्चुअली मैं खरीदने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हो? खाने के लिए? कमाल है यार, उस टाइप का नहीं, उस टाइप का नहीं, और क्या चाहिए भी नहीं पता है, कुछ भी समझ में। हाय चंदू, तुम कब आए यहाँ पर? जस्ट फ्यू सेकंड्स। अरे क्यों कह रहे हो फ्यू सेकंड्स? 1 घंटे से चूहे की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। हेलो, आप अपना काम करिए, चलो चंदू। ओ और समझा, सुपर मार्केट है या लव पॉइंट है। चलो चंदू, धंधा ओवर। होम डिलीवरी कर दीजिए। ओके मैडम। ओके देन, सी यू लेटर, बाय चंदू। कौन है? नमस्ते। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे बोल रही हूँ पागल, सामान लेकर अभी आ रहे हो, ऑर्डर देकर 2 घंटे हो गए, खाना कौन पकाएगा? तेरा बाप पकाएगा? वो बात नहीं आंटी। आंटी? तुम मुझे आंटी बोलोगे तो चप्पल से मारूंगी, माजी भी कह सकते हो। ठीक है, सॉरी माजी। क्यों रे, मैं तुझे माजी दिख रही हूँ, तुझे मैं तो मम्मी 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 मम्मी, ये शॉप का लड़का नहीं है, मेरा फ्रेंड है चंदू। फ्रेंड है? हाँ। लेकिन ये क्यों लेकर आया है? कैसी बातें कर रही है मम्मी, शॉप में कोई लड़का नहीं था ना, इसलिए सामान लेकर ये आया। ठीक है ठीक है, सामान लेकर अंदर आ जाओ। ओके मम्मी। अंदर आ जाओ, कॉफी पी के जाना। नहीं चाहिए, जब तुम्हारी माँ नहीं रहेगी तब आऊंगा, बाय। माँ जी, वासु बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, कैसा है तू? मेरीला कैसी है? उसे क्या हुआ, वो तो बहुत अच्छी है। वो क्या कह रही है? वासु कब आएगा यही पूछती रहती है। घर पे है? बाहर गई है। ओके ओके, उसे कहना मैं याद कर रहा था। जरूर कहूंगी, तू नेक्स्ट संडे पक्का आ रहा है ना? हाँ कंफर्म माँ जी, फोन रखता हूँ। ठीक है बेटा, बाय बाय। मैं हूँ हंसी ऐसी, मैं हूँ खुशी ऐसी।
से यहाँ कोई नहीं, चाह तुम मेरी दिल को तर मेरी, बिन बांधे डोर जैसे उड़ने लगी। अब कहे मेरी क्यों लगता नहीं, मेरा दिल प्यार से प्यारा यहाँ लगता है कुछ भी नहीं। मैं हूँ कली प्यारी सी, मुझसे हंसी कुछ नहीं। यहाँ कोई नहीं, चाह तुम मेरी दिल को तर मेरी, बिन बांधे डोर जैसे उड़ने लगी। अब कहे मेरी क्यों लगता नहीं, मेरा दिल प्यार से प्यार से प्यारा यहाँ लगता है कुछ भी नहीं। मैं हूँ कली प्यारी सी, मुझसे हंसी कुछ नहीं। दिल में पद्मा को देखा क्या? मैंने नहीं देखा भाई। चलो उधर देखते हैं। ए, चलो इनसे पूछते हैं। हाँ पूछते हैं। ए अनीता, पद्मा को देखा क्या? उसका भाई उसका कॉलेज आना बंद कर दिया है। मतलब तुम ना प्यार के चक्कर में ना उसकी एजुकेशन खराब कर रहे हो। ठीक है, तुम पढ़कर क्या कर रही हो? किसी भी सब्जेक्ट में 20 मार्क्स से ज्यादा नहीं आए हैं। तुम ज्ञान देती हो हमें? चलो चप्पल से मारो। अरे अभी क्या करना है ये तो सोचो। इसमें सोचने वाली क्या बात है, वो हम दोनों को कभी मिलने नहीं देगा, और अगर हम मिल भी गए तो वो किसी और लड़के से उसकी शादी कराकर मुझे मार डालेगा। फिर क्या करेगा? मुंबई भाग जाऊंगा। हेलो, तुम्हारे साले ने फोन उठाया। तू कौन बोल रहा है बे? तू बात कर। नमस्कार, मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ। फोन पे कॉल करके तू बोलता है कि केबीसी से बोल रहा हूँ। आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं। पद्मा जी को आप बुलाएंगे तो उनको केबीसी की तरफ से इनाम दिया जाएगा, और नंबर टू, पद्मा अगर आएगी और सारे सवालों का जवाब देगी तो उसे इनाम दिया जाएगा। पद्मा, आरिफ भाई, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो, हे पद्मा की। हेलो पद्मा, मैं टिंगू बोल रहा हूँ। चिरंजीवी का असली नाम बताऊँ? उसका नाम शिव शंकर प्रसाद है जी, MS राजू महेश बाबू एक ही नाम है। कौन से फिल्म है भाई? ए, मैं ये सब नहीं जानता, तुम ही बात करो। आज 6 बजे बस स्टॉप पे आ जाना, और उसके बाद तुम दोनों मुंबई भाग जाना। अगर भाई को पता चला तो? अरे तुम्हारा भाई क्या करेगा, वो सिर्फ नहाने के लिए गर्म पानी करेगा बस। ठीक है। लो। हेलो पद्मा, समझ गई ना? अगर तुम लोग नहीं होते तो मेरी शादी कहीं और हो जाती और जिंदगी एकदम नरक हो जाती। अरे तुम लोग खुश रहो यार, हम बस इतना ही चाहते हैं। अरे चलो जल्दी बस निकल। ए, बाला के दोस्त जहाँ भी हो घसीट के लेके आओ। अरे
तुम मुंह बंद रखो। तेरा सर्वनाश हो जाए। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ऊपर से भी घसीट लाऊंगा। यहाँ पे इसको जलाया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम लोग दादागिरी नहीं चलेगी। बता देता हूँ मैं इन लोगों को। अगर हमें जान भी देनी पड़ी लोग के लिए तो जान भी देंगे, लेकिन इनको मारने नहीं देंगे तुम्हें। हाँ देख लेना भाई, अभी भीड़ में कुछ करना सही नहीं है। चलो हम लोग बाद में देखते हैं। चलो ले। अरे ये कैसा प्यार है जो दिखते ही। वैसे ही जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड स्कूल में थी और तुम्हें देखा तो सबको छोड़कर बस तुम्हारे पास बैठने के लिए आ गई और तुम मेरी फ्रेंड बन गई और तब से हम बेस्ट फ्रेंड है ना। सो चंदू से मिलने के बाद भी मुझे ऐसा ही लग रहा है। और प्लानिंग करके जो करते है ना वो प्यार नहीं है, सिर्फ दिखावा है। मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनती हूँ। जिससे प्यार करते है ना उसके लिए जिंदा रहते हैं, उसके लिए मर भी सकते हैं, इसे ही प्यार कहते हैं। सच्चे प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन तुम्हारी शादी तो तुम्हारे फैमिली वाले बचपन में ही फिक्स किए थे ना। बोलो कौन होते हैं फिक्स करने वाले। ये सब तो ऊपर वाला करता है और मेरे लिए भी वही करेगा। एंड यू नो व्हाट, जोड़ियां ना स्वर्ग से ही बन के आती हैं। हाय हाय, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं, बॉयफ्रेंड है। गुड जोक। थैंक यू नित्या, ही इज माय फ्रेंड चंदू। चंदू सी इज माय वेरी गुड फ्रेंड नित्या। हेलो जी। हेलो। ओके विनेला। ओके बाय, टेक केयर। अरे कहाँ जा रही हो, बैठो ना। नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करो। ओके। ही इज रियली गुड। हैव एंजॉय। हे बेटा, टू बटरस्कॉच आइसक्रीम। तुम्हें कैसे पता? मुझे बटरस्कॉच बहुत पसंद है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बताए पता चल जाती है। आइसक्रीम लग गया है, साफ कर लो। ओके। क्या है ये? कर्चिफ किस। कर्चिफ किस। रात में बादलों में चांद देखा, अभी भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बादलों में चांद? नहीं, मेरे कंधे पे हाथ रखना अच्छा नहीं लग रहा। लवर्स तो एक दूसरे को टच तो करते ही रहते हैं। ऐसा किसने कहा? जो भी ऐसी बातें करता है ना या ऐसी हरकतें करता है उसे मैं चप्पल से मारूंगी। हे भगवान, अगर स्लीपर पहन के आती तो शायद उतना मार नहीं पड़ता। हाई हील से तो सारे दांत टूट जाएंगे। ये क्या खुद से बातें कर रहे हो? नहीं वो कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं। कैसी कहानी? अपना हाथ दो। एक राजकुमारी को एक गरीब लड़के से प्यार हो गया। जब राजा को उन दोनों के प्यार का पता चला तो राजा ने राजकुमारी को छुपा दिया। फिर वो गरीब लड़का राजकुमारी को ढूंढने के लिए महल में घुसता गया घुसता गया। उसे देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। क्यों ऐसा क्या कर दिया? मुझे दिखाई दे रहा है, तेरे गाल पर चुम्मा दिया था क्या? नहीं मिलेगा, लिखा था, बोला था बैठ पड़ जाएगा। ऑलरेडी स्टैंड है। इस बार वैनिला दिखेगी ना तो हाथ पकड़ के माफी मांग लेना। नहीं मानी तो पैर पकड़ लेना। फिर भी नहीं मानी तो? फिर भी ना मानी तो किस ले लेना। फिर भी नहीं मानी तो हमें पकड़ ले यार, सब मिलके समुद्र में डूब जाएंगे। अच्छा हाँ ठीक है, अरे मैंने ऐसे ही बोला यार। और क्या चाहिए मैडम? एक किलो आलू। रिंकी I'm sorry, रिंकी। रिंकी ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज मेरी बात तो सुनो। प्लीज रिंकी एक बार मेरी बात सुन लो, मैं हाथ जोड़। शट अप, मैंने कहा था ना कि मेरा पीछा करना बंद कर दो तुम, मेरी कसम। थैंक यू रिंकी। ज्यादा खुश मत हो, मेरे साथ चल सकते हो, पर कुछ शर्त है, वो तुम्हें माननी पड़ेगी, तभी हमारी स्टोरी आगे बढ़ेगी। समझ गए ना तुम? कहाँ है वो? जब भी तुम मेरे साथ चलो मुझसे दो कदम दूर रह के चलना। हाँ?
जब भी मुझसे बात करोगे मेरी शक्ल देख के ही बात करनी पड़ेगी। पर शक्ल अच्छी है, आंखें अच्छी है, तुम्हारा दुपट्टा अच्छा है, ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, जैसे तुमने मुझे किस किया था ना, वैसे किस तुम मुझे कभी मत करना, समझ रहे हो ना? ओके डोंगी। हाँ आ, क्या कहा? अरे मतलब कि ओके रिंकी। नहीं, कुछ और ही कहा तुमने। मैंने क्या कहा था? डोंकी कहा था ना। अयो हे, ये सब क्या है? एक दूसरे से दूर रहने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना, बोलो। ओफो, मुझे शर्म आ रही है। एक्सक्यूज मी, 32 साइज में मेरी बेटी के लिए ब्रा दिखाना। हाँ, दिखाता हूँ मैं। साइज बतानी चाहिए थी, मेरे लिए है ये बताने की क्या जरूरत थी? अरे इसमें क्या है, तुम बहुत शर्माती हो। तुम देखो, मैं अभी आती हूँ। मम्मी आजा। क्या है मैडम? 34-36 साइज है ना। पागल कहीं का, तुम मुझे अपने पास बुलाकर मेरी साइज बता रहा है? आप गलत मत समझिए, ये तो ब्रा की साइज है। आपको जो भी चाहिए यहाँ से 10 रुपए कम भाव करके दे दूंगा। ठीक है, दिखाओ। एक मिनट। कैसा है मैडम? सॉरी मैडम। ये रहा। इसमें और कोई कलर है? अरे यहाँ नहीं दिखा सकता, मैं शॉप ओनर थोड़ी हूँ। अगर मालिक ने देखा तो मेरी आँख निकाल के बाहर रख देगा वो। कोई बात नहीं, दिखा। अरे अरे क्या कर रही है? ताल फिल्म में जो ऐश्वर्या पहनी थी वो नहीं है क्या? क्या कर रही है मैडम, कोई देख लेगा। अरे तू इतना डरता क्यों है? तू मुझे दिखा। अरे लेकिन मैडम सुनिए ना प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके। देखिए ना क्या कर रही है आप, सब निकालना है क्या आपको? ठीक है, जो देखना है आप देख लीजिए। ये कोट पहन कर क्यों रखा है, निकाल इसे। उतारो। अरे बापरे, आज तो लगता है मैं लूट गया। अरे बापरे, बर्बाद हो गया मैं। क्या करूं, कोई देखने लगा। कितने बेकार है, सब चीप क्वालिटी है, कुछ अच्छी चीज दिखाना चाहिए ना। क्या बातें करती है, बापरे। लगता है सब मुझे उठा कर रखना पड़ेगा, किसी ने देखा तो मार पड़ेगी। अभी तक पसंद नहीं आया। ये अच्छा है, ये पहन कर देखो। मम्मी जाना बेटा। अरे ये क्या है, ये लेडीज रूम में क्यों जा रहा है? हाँ बाप रे, लड़की भी अंदर चली गई है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बस देखने के लिए आया हूँ। मुझे शर्म आ रही है, जाओ ना, जाओ। बाहर जाऊंगा तो तुम्हारी माँ देख लेगी, चलेगा क्या? अरे अब क्या होगा? दोनों अंदर घुसे हुए क्या कर रहे होंगे दोनों? सुनो, तुम साइलेंटली कपड़े पहन लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा, सब नहीं खोलूंगा, ठीक है ना? कोई जरूरत नहीं, मैं चलती हूँ। सुनो, लड़की तो बाहर आ गई, अब बचा लड़का, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब फंसाए। मम्मी कहाँ जा रही हो तुम? ब्रा ट्राई करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम मत जाओ वहाँ। क्यों, ट्राई नहीं करूँ क्या? अरे बाप रे, नहीं मम्मी वहाँ मत जाओ। तुम भी ना, चल हट। मम्मी हे भगवान, क्या हुआ जी? अंदर लड़का था क्या? क्या लड़का लड़का कर रहा है, अंदर छिपकली है। छिपकली? छिपकली कहाँ से आ गई, देखूं तो सही। पागल कहीं का, कोई काम धंधा नहीं है क्या? ये लड़का इधर से घुसा,
उधर से निकला, ओरिजिनल में कहां से निकला? दिखाओ ना। ए, रुको। एक मिनट रुको। ए, दिखाता हूँ, रुको ना। थोड़ा सा। ए, अरे थोड़ा सा तो वेट करो, अभी अभी हो जाएगा। प्लीज दिखाओ ना। ये देखो कैसा लगा। ग्रेट। ए, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो छू नहीं सकता और इसे तो छूने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुम्हें। अब दिन रात मैं इसे अपने सीने से लगा के रखूंगा। मेरे अंकल। क्या हुआ? अब क्या होगा? चंदू। ये रिंग अच्छी है ना? तुम्हें अच्छा लगा क्या? पहन कर देखोगी क्या? मुझे बहुत अच्छी लगी। दिखाता हूँ मैं। ये देख। हाँ, ये वाली। ये रिंग कितने का है? 2000 रुपए की। मजाक कर रहे हैं क्या? मुझे तो लगा 200 का होगा। नहीं भाई, 2 रुपए का है। शक्ल देखने से तो खरीदने वाले नहीं लगते हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कस्टमर से ऐसी बातें करते हैं क्या? तमीज से बात करिए, समझ गए ना? सॉरी सर। चलो चंदू। अरे बेटा रुको, पहले दायां पैर अंदर रखना चाहिए। अरे ये क्या, ये अचानक लाइट क्यों चली गई? इस घर में अंधेरा हो रहा है, ये सिंपल है इसलिए लाइट गई है। आप चुप रहो। आप बेटी वेनिला, देखो तुमसे मिलने कौन आया है? वाशु आया है। तुमने इसे बात करने का चांस ही कहां दिया? अरे आप चुप रहो। वेनिला, वाशु के लिए चाय लेकर आओ बेटी। मम्मी तुम ला दो ना। तुम्हारे हाथ की चाय वाशु को पसंद आएगी। तुम कहां जा रहे हो? जाने दीजिए ना, इन लोगों का बात करना जरूरी है। 2000 रुपए की है सर। नहीं भाई, 2 रुपए का है। शक्ल देखने से तो खरीदने वाले नहीं लगते हो। रिंकी अभी तक नहीं आई। छे। हाय। हेलो। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और तुम इतनी लेट आई हो। तुम्हें टाइम सेंस नहीं है क्या? क्या करूं, वासु है ना, वो मुझसे मिलने के लिए घर पे आया है। तुमसे मिलने के लिए? क्यों? क्यों क्या, मुझसे शादी करने के लिए, और क्या? उसे शादी करने के लिए कोई और लड़की नहीं मिली क्या? क्यों, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चुप क्यों बैठी हो? बताओ मुझे। तो तुम वासु से शादी कर लोगी क्या? बताओ मुझे। वो बात नहीं है चंदू, प्लीज। जब तुमने मुझे इतना वेट कराया, मैं तभी समझ गया था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं हमेशा अपने सारे दोस्तों से बोलता हूँ कि ये प्यार व्यार सब बकवास की बात है। चंदू चिल्ला के बात मत करो, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। ठीक है, जाओ उसी से शादी करो और मेरा पीछा छोड़ दो। ओह गॉड, यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जाओ यहाँ से, जाओ उसके पास। मुझे किससे शादी करनी है मैं जानती हूँ, तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं। सुनो भाई, लवर और फ्लावर का ख्याल रखना जरूरी होता है। अरे तेरी एक्स लवर जा रही है यार। अरे ये तो वासु है क्या? हो सकता है। अरे बाबा बाबा, इन दोनों की जोड़ी सुपर लग रही है यार। ऐश्वर्या और विवेक ओबेरॉय की जोड़ी लग रही है। और ये क्या, सलमान खान है? तुम लोग मेरी तरफ हो या उसकी तरफ? तुम्हारी तरफ कैसे हैं यार? उस लड़की के चाल चलन देख के लग रहा है उसने तुझे 100% छोड़ दिया। अभी चाहे तू सॉरी बोल या संन्यास ले ले, वो तुझे पसंद नहीं करने वाली, समझ गया? पूछोगी क्या? क्यों, तुम्हारे हाथ नहीं है? रुको मैं करती हूँ। क्या कर रही हो? क्या हुआ वासु, इतने जोर से रगड़ रही हो, मेरे सारे बाल गंजा हो जाऊंगा मैं। ये देखो। ये खा ले यार, समोसा बहुत अच्छा है। तू खा ले। अरे ओए, एक लड़की गई तो क्या हुआ यार, दूसरी लड़की फिर से आएगी ना, समझ लेता बात को तू, पकड़ इसको। अरे हमारे कॉलेज की सरिता को देख, 6-6 लड़के को घुमा रही है, फिर भी किसी को शक नहीं होने देती है।
अरे भाई आजकल के लड़कियों पे भरोसा मत करो, जैसे मोबाइल को बदलती है वैसे लड़कों को भी बदलती है। टेंशन मत ले, खा ले खा ले। अरे भाई इसने हाथ क्यों काटा? ब्लड ज्यादा हो गया था। ज्यादा हो गया तो ब्लड बैंक में डोनेट कर देते, ऐसे वेस्ट करके क्या मतलब? आप शंकर भाई MBBS हैं क्या? नहीं मुन्ना भाई MBBS। ओ चंदू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मुझे अब तक समझ नहीं पाए चंदू, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी वासु से कैसे करूँगी बताओ तुम्हें? अगर शादी नहीं करनी तो वासु के साथ क्यों घूम रही थी? क्यों तुम समझे नहीं क्या? तुमने सबके सामने मुझ पे ऐसे चिल्लाया तो मुझे गुस्सा आएगा ना, इसीलिए मैं तुम्हें जलाने के लिए उसके साथ घूम रही थी। फिर क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर नहीं सकती। उस दिन रेस्टोरेंट में मैं तुमको वही रिंग देने आया था जो तुमने पसंद की थी, लेकिन तुमने वासु की बात करके मेरा मूड अपसेट कर दिया। तुमसे ही मेरे सपने, तुमसे है मेरी दुनिया, तुमसे ही दोनों जहां है।
कि इन पंछियों को देखकर तुम्हें क्या लग रहा है? ये भी हमारी तरह प्रेमी है। हाँ, करेक्ट। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे अपने घर कब ले जाओगे? लेके जाऊंगा ना, टाइम आने पर जरूर लेकर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें अकेले ले गया तो मेरे डैडी मुझ पर शक करेंगे। शॉपिंग मॉल मिल गया, मिल गया, पकड़ लिया। अरे यार, तुम उस दिन लेडीज रूम में घुसे, जेंट्स रूम से कैसे बाहर आ गए? मुझे मंत्र आते हैं। हाँ, मंत्र आता है? क्यों जी, इस मंत्र वाले से तुम प्यार करती हो? और मुझे तंत्र आते हैं। तुम तंत्र जानती हो, ये मंत्र जानता है, यानी मेड फॉर ईच अदर वाला मामला है। सर, हमारी एक हेल्प करेंगे? क्या मदद करूँ? पुराना कपड़ा, हल्दी, अंडा, बाल, नींबू, काला मुर्गा चाहिए? जरूरत नहीं है सर। फिर क्या चाहिए बताता हूँ। अरे ये क्या पेंडुलम की तरह इधर उधर डोल रहा है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? पापा, मेरा एक नया फ्रेंड आ रहा है, उससे आपको मिलवाना था। आहा, एक पागल क्या घर में कम था जो दूसरा पागल आ रहा है? मैं आ गया। वेलकम सर, आइए बैठिए बैठिए। पापा, जिस नए फ्रेंड की बात की थी ये उसी के पापा है, और ये मेरी वो नई फ्रेंड। ये तो जोकर की तरह लग रहा है, इसकी तो पेंशन लेने की उम्र है। इसका नाम क्या है भाई? यस सर, मेरा नाम कोका कोला है। व्हाट? कोका अंडा यानी कि कोदंड बाला, कोका कोला इन शॉर्ट सर। सी इज माय कजिन डॉटर। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तुम अपनी बेटी का नाम भी नहीं जानते? अंकल, मेरे चाचा जी को भूलने की बीमारी है। बीमारी है क्या तुमको? मेरा नाम वैनिला है। नमस्ते। एकदम लक्ष्मी हो बेटी, बैठो बेटी। बैठो। क्या करती हो बेटी? ये तंत्र करती है। तंत्र मंत्र पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये प्रचार करती है। हाँ ठीक है, बताइए आप क्या लेंगे? अजी, लेने के लिए क्या है, बॉडी स्प्रे, सेविंग क्रीम, ये सब हो तो चलेगा, नहीं तो 10-15 हजार उधार भी देंगे तो भी ले लूंगा। अरे आप क्या लेंगे, मतलब चाय या कॉफी लेंगे वो पूछा था मैंने। ओ, ये बात है तो कॉफी ले लेंगे ना जी। बेटा तुम दूध का पैकेट और कॉफी लेके। आ, जरूरत नहीं मैडम, मेरे पास है ना, ये देखिए, ये दूध का पैकेट, ये चाय का थर्मस, ये सब कुछ है। आप खुद ही बिजनेस क्या करते हो जी? अरे मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ सर। सुखा कंपनी से लेकर के सुखा कंपनी तक, लुखा कंपनी से लेकर, तू चुप रहना यार, सुई से लेकर तलवार से लेकर बस तक सब सप्लाई करता हूँ। सर, अगर आप अपनी बेटी के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा सर, प्लीज सर, अपनी बेटी क्या अच्छा लगेगा? ये क्या झांसी की रानी या रुद्रा देवी है क्या, जो खत देकर मजबून बता देती है? ओके ओके ओके। मैडम, आप बाथरूम क्लीनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? एसिड। एसिड तो पुराना फैशन हो गया जी। ए लो, ये नया पाउडर आया है, ये पाउडर भी नया है जी, ये केमिकल भी नया है जी, ये भी। गेट आउट। क्या हुआ सर? आई से गेट आउट। आपको चाहे तो लीजिए, वरना मत लीजिए। रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। रिस्पेक्ट चाहिए तुमको? आपका बेटा इन्वाइट किया था इसलिए मैं इधर आया था, वरना कभी नहीं आता, मैं कहीं नहीं जाता। हाँ, हट जाओ तुम सामने से, चलो बैठे इधर। हाँ, कहाँ से? चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से जोकर लेकर आ गया ये। सुनो बेटा, ये कार्ड का डिजाइन कितना अच्छा है ना। हाँ माँ जी, वनीला को दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, वनीला। क्या है मम्मी? ये कार्ड देखो कितना अच्छा है ना। किस लिए? किसके लिए? बस 10 दिनों के बाद तुम्हारी वाशु से शादी होगी, तुम्हारी शादी का कार्ड है पागल। मम्मी, मैंने आपसे कहा था ना मुझे पढ़ाई पूरी करनी है, शादी नहीं करनी मुझे अभी, आप समझते क्यों नहीं? चुप हो जा, तेरा दिमाग खराब है। ये वाशु तुम्हारे लिए 2 साल से इंतजार कर रहा है, और मैं इसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ। आप प्रॉमिस करो या एग्रीमेंट करो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ये क्या है जी, ये ऐसी बातें कर रही हो और तुम चुप बैठे हो? मैं तो वेट कर रहा था कि तुम मुझे बात करने के लिए कहोगी। सुनो वनीला, तुम पढ़ाई करो, मुझे कोई एतराज नहीं है, शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकती हो। मुझे फोर्स मत करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, समझ गए तुम?
देखो माँ जी। तुम चुप हो जाओ, मैं हूँ ना। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं चंदू। जल्दबाजी क्यों करना है, मेरी जॉब लगने तक थोड़ा सा इंतजार और कर लो। तुमसे नहीं, वासु से। हाँ चंदू, मैंने सबसे कह दिया कि वो पसंद नहीं है, पर वो लोग मानते ही नहीं। पर मेरी मम्मी कैसे भी करके उससे मेरी शादी करवा देंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी चंदू। छह, ये सभी माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बस शादी के पीछे पड़े रहते हैं, प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं सोचते। वो सब बाद में देखेंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। सुनो चंदू, तुम अभी घर जाकर अपने पिताजी से हमारी शादी के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या तुम मुझे मार डालेंगे? तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं? तुम कैसे मुझसे प्यार करते हो? रिंकी प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैं घर जाकर पापा को अपने प्यार के बारे में बताकर मना लूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। चंदू। अरे अरे, ये दरवाजा जोर से बंद किया तूने? एक मिनट, आज तक आप जो कहते रहे मैं करता रहा, आपने जो बोला मैंने पूरी तरह से माना। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या है बोल? पर्सनल है, ऊपर चलिए बताता हूँ, चलिए। अरे ये तो, बैठिए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। मटर पता चल गया मुझे, एक मिनट। जवान नहीं हुआ, प्यार करने के चक्कर में पड़ गया है? प्यार करेगा प्यार, मैंने जो सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही करेगा तुम्हारा लड़का। सुनो, आज से इसका खाना पीना और चुरा का पैसे देना बंद, अगर तुमने खिलाया तो मेरा मरा मुंह देखोगी, समझी? कैसी बात करे जी। चंदू, वेनिला अंकल ने मुझे अभी बताया कि बैंक मैनेजर की बड़ी बेटी राधा किसी और से लव मैरिज करना चाहती है। वो मान गए क्या? यही तो बदनसीबी है, पर तुम ऐसा कभी मत सोचना, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। जी जी, वेनिला ऐसा काम भूल से भी नहीं करेगी। तो अब क्या करें, क्या हम दोनों अलग हो जाएंगे? तुम ऐसी बातें मत करो रिंकी, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं जी सकता, एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। मेरा भी वही हाल है चंदू, पर क्या करें? इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। और वो क्या है? क्या कहा भाग जाएंगे? हाँ भाग जाएंगे। पर कहाँ? मुंबई। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई तो? नो प्रॉब्लम, वहाँ बाला सब संभाल लेगा। हाँ बाला वहाँ पे सेटल है। अच्छा। बाला, ए, ए बाला, क्या हुआ बाला? तुमने ये क्या हालत बना रखी है? तुम तो मुंबई गए थे ना, पद्मा कहाँ है? पद्मा को मैं वहाँ छोड़कर आ गया। पद्मा को छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी जीना उतना आसान नहीं है। लाइफ और लव में पैसा सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ये मुझे समझ में आ गया। पेट भरने के लिए खाना नहीं मिलेगा, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, और प्यार सिसक सिसक के दम तोड़ देगा, इसलिए मैं उसे वहां छोड़कर आ गया यार। ए बाला, बाला, हम एक दूसरे से अलग होकर जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स हमें अलग कर दें, हमारे प्यार को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ करना होगा। मर कर अमर हो जाते हैं। I love you. I love you.
तुम मेरे पास मत आओ, तुम लोग मेरे पास मत आओ जी, नहीं तो मैं मेरे पास मत आओ, नहीं तो हम लोग कूद जाएंगे यहाँ से। कोशिश मत करो। ए, हम लोग तुम्हें रोकने के लिए नहीं आए हैं, हम भी कूद के मरने के लिए आए हैं। तुम लोग जल्दी करो। ए, पहले कूदो, उसके बाद फोन उठा रहा। कब उठाऊंगा? मरने के बाद? हेलो, कहाँ मर रहा है तू? अभी नहीं मरा, मरने की कोशिश कर रहा हूँ। पागलपन मत कर, जल्दी घर आ जा। पहले मैं तेरी शादी कराऊंगा, बाद में जो करना है कर लेना। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, शादी के लिए मान गए। ऑल द बेस्ट, बाय। ऑल द बेस्ट, बाय। रिंकी, हाँ? मैं भी पापा को फोन करके देखता हूँ। हाँ। आउट ऑफ कवरेज एरिया, नॉट रिचेबल। हमारे लिए तो मौत भी दुश्मन, देख रही हो ना, क्या करें? मेरा नाम पुकारो और मैं तुम्हारा नाम पुकारती हूँ। कम से कम आगे जन्म में हम दोनों फिर से पैदा होकर एक दूसरे से प्यार करेंगे और शादी करेंगे और हमेशा खुशी से जिएंगे, ठीक है? ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। मैंने क्या किया जी? इसकी पसंद जाने बिना तुम अपने भाई से जबरदस्ती इसकी शादी कराई थी, इसके लिए उसने ऐसा किया। ये सब तुम्हारी गलती है। अभी देखो, महालक्ष्मी की तरह घूमने वाली हमारी बेटी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मैं तो उसकी खुशी चाहती थी, इसलिए मैं वाशु से शादी कराना चाहती थी। एक बार मुझे भूलती तो
कि वो किसी और से प्यार करती है तो क्या मैं उसकी शादी नहीं कराती? मैं थोड़ी ना जबरदस्ती उसकी शादी कराती, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। ठीक है बस करो, जो हुआ सो हुआ। ठीक होने के बाद मेरी बेटी अपनी मनपसंद के साथ शादी कर सकती है, समझ गई तुम? ना सब होने के बाद मैं क्या कहूँगी, जो आप चाहें वैसा ही होने दीजिए, लेकिन एक बात है, ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए और वाशु को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपकी वजह से हुआ है जी, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी उसके साथ ही मर जाऊंगी, फिर तुम अकेले ही आराम से रहना। मैंने क्या किया है? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उसने अपने प्यार के बारे में तुम्हें बताया तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए था, बल्कि उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए था। मैं भी बाप हूँ उसका, बच्चे को सुधारने के लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है, वो ऐसा करेगा? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने प्यार के बारे में बता के अच्छा किया, अगर वो बिना बताए भाग के शादी कर लेता तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। उसने तो अपने प्यार के बारे में हमें सच सच बता दिया था, आप ही नहीं समझे। ओके ओके, तो बता मैं क्या करूं? उसके ठीक होने के बाद हम उसकी शादी उसी लड़की से करवा देंगे। अगर इस बार आपने मना किया तो मैं अपने बेटे के साथ ही रहूंगी। मुझे अपनी बेटी के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। दिल को मैंने दिल से ही जोड़ा था, फिर क्यों मेरा दिल टूटा? जालिम ये दुनिया है, सूखी हर गलियां है, सजनी से साजन है लूटा। ऐसी सजा क्यों है मिली, सुनी है दिल की गली। ऐसी सजा क्यों है मिली, सुनी है दिल की गली। दिल को मैंने दिल से ही जोड़ा था, फिर क्यों मेरा दिल टूटा? जालिम ये दुनिया है, सूखी हर गलियां है, सजनी से साजन है सिटी स्कैन के बाद ही प्रॉब्लम का पता चल पाएगा। Yeah.
ऊंचाई से गिरने की वजह से सर में बहुत चोट आई है, जिसके कारण ब्रेन सेल्स डैमेज हो गया है। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो पुरानी बातें सारी भूल चुका है। जनरली इसे हमारी लैंग्वेज में एमिनेशिया कहते हैं, लेकिन एमिनेशिया के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनेशिया का मतलब? इसे पेट्रोक्रेट एमिनेशिया कहते हैं। इस पार्टिकुलर एमिनेशिया में अगर मरीज को पुरानी बातें याद दिलाए तो पुरानी बातें याद आ जाएगी, अगर उससे पुरानी बातें ना याद दिला जाए तो उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी, उसके माइंड में सब कुछ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताता हूँ, ये देखो, इस रोज को हम रोज ना कहे तो उसके माइंड में एस्टेब्लिश नहीं होगा। और अच्छी तरह समझाऊं तो वो लोग अभी अभी पैदा हुए बच्चे की तरह होते हैं। मतलब? अभी आपका डाउट मुझे समझ में आ गया। उन लोगों की कूदने की बात है और उनके प्यार की बात है, अगर उन्हें ना बताया जाए तो हाँ जी यस कुछ याद नहीं रहेगा। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को प्यार की बातें और सुसाइड की बातें मैं उसे नहीं बताना चाहती। समझूंगी कि पनौती यही खत्म हो गई। डॉक्टर साहब, उसे उसके प्यार के बारे में बता के उसका दिमाग नहीं खराब करना चाहिए। देखिए, हमारा एक लौता बेटा है, हम नहीं चाहते कि वो किसी फालतू चीजों में पड़े। दरअसल हम उसकी शादी कराना भी नहीं चाहते। ऐसा मत बोलिए जी, फिलहाल हम सब ये पुरानी बातें उसके सामने नहीं लाएंगे, और आप किसी भी हाल में ये बात वैनिला के सामने नहीं लाएंगे। सुनिए जी, एक डॉक्टर होने के नाते मैं ऐसा नहीं कर सकता, मरीज को ठीक करना मेरा फर्ज है, लेकिन अगर उनकी याददाश्त को वापस नहीं लाया गया तो बहुत मुश्किल हो सकती है। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे इस तरह की एडवाइस मत दीजिए। अगर आपने ये बात वैनिला को बताई तो मैं इस हॉस्पिटल पे केस कर दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसे पागलपन की हरकतें मत कीजिए, मुझे आपके खिलाफ जाने का कोई हक नहीं है, लेकिन एक बात बोलूं, आप जितना जल्दी हो सके वेनिला की शादी तय कर दीजिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जारी रखना पड़ेगा और उसे रेगुलर चेकअप के लिए हमारे पास भेजना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जरूर भेज देंगे। चंदू को कल से पुरानी बातें याद दिलाइए। दिल से दिल को मैंने दिल से ही जोड़ा था, फिर क्यों मेरा दिल टूटा। जालिम ये दुनिया है, सुखी हर गलियां है, सजनी से साजन है लूटा। दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन ना तगु दिन ना दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन ना ना दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन ना तगु दिन ना दिन ना ना दिन दिन ना ना दिन ना तगु दिन ना। आओ वाशु, तुम्हें याद है क्या, ये वाशु है बेटी, मैं फोटो दिखाई थी ना, तुम इसे बहुत पसंद करती थी और बचपन से ही तुमने वाशु की पत्नी होने का फैसला किया था। हेलो, कैसे हो तुम? दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सुनो, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उसको उसके प्यार की याद दिलाने की कोशिश करेंगे, तो चलो उसको उसके प्यार की याद दिलाते हैं। ओके ओके। ए चंदू, इस घर को ध्यान से देखो और याद करने की कोशिश करो। हाँ? ये तुम्हारा घर है ना? ये मेरा घर है, मैं मर जाता हूँ। बस करो यार, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ पे? कुछ नहीं अंकल, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेलते खेलते बॉल यहाँ चले गई थी, हम लोग बॉल ढूंढ रहे थे बस। ये झूठ बोल रहा है पिताजी, ये मुझे यहाँ पर लाकर ये घर दिखा रहा था और पूछ रहा था कि ये घर किसका है पिताजी। तुमने बताया क्या? नहीं पिताजी। ए इधर आ, चल तू, दोबारा दिखाई दिया तो जान से मार दूंगा। बाय बाय। आप वाइजा के लिए तुरंत ट्रांसफर मांगे, हम वहीं जाकर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी बात क्यों कर रही हो? अगर वो यहाँ रही ना तो उसे पुरानी बातें सारे याद आ जाएगी, इसीलिए हमें वाशु के पास चले जाना चाहिए। शारदा, सुबह इसके फ्रेंड्स वेनिला का घर दिखाकर इसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ समझे तुम? उसकी याददाश्त आई क्या? नहीं शारदा, ऐन वक्त मैं वहाँ पहुँच गया था, वरना उन लोगों ने याद दिलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। शारदा, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है, हम इसे तुम्हारे भाई के पास भेज देते हैं, तुम अपने भाई को ठीक से समझा दो, उसका ठीक से ख्याल रखना। अरे क्या हाल है चंदू, आओ आओ आओ। अरे तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी तक मैं इस घर में अकेले रह रहे के पागल हो गया था। आपको शादी कर लेना चाहिए था, फिर अकेले नहीं रहते। अरे शादी करने से मुसीबत और बढ़ जाती है।
वो तो ठीक है, पर आप करते क्या हैं? बाबा गार्डन में पिज्जा गार्डन चला रहा हूँ। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस क्या खाक चल रहा है, यहाँ पिज्जा बेचने से अच्छा गाँव जाकर वड़ा पाव ही बेचता तो ज्यादा कमाता। हाँ मैं भूल गया कि तुम्हारे लिए मैंने ना पुरानी बाइक ठीक करके लाया हूँ, उसी से कॉलेज जाना तुम। हाँ अरे भाई तुम बहुत अच्छा खेल लेते हो। अरे बचाओ रे, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे मोटू से और हो तुम भाई? पर घर पे भाई? घर तो ठीक है, लेकिन तुम जैसे फैन हो तो मैं मरी जाऊंगा। भाई सही है भाई, आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने बड़े हीरो बनोगे कि एक दिन का 6 करोड़ लोगे भाई। भाई तुम बहुत बड़े कौन स्टार बनोगे और बड़ी बड़ी। अच्छा? भाई चिरंजीवी की तरह सुपर स्टार बनोगे। पार्क में ना एक लड़की बहुत धूम मचा रही है, वहाँ सब लड़के उसके पीछे पड़े। क्या वो चिपक चिपक के बात कर रही है भाई? क्या वो हाथ पकड़ के बात कर रही है? नहीं भाई अलग तरह की। क्या वो किस करके बात कर रही है? भाई थोड़ा डिस्टेंस में है। तो मेरी लवर नहीं हो सकती? वो आपकी लवर नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं? मेरी लवर थोड़ी फास्ट है। हमारी लवर क्या फिर लूज कैरेक्टर है भाई? नहीं रे, वो थोड़ी शर्मिली है, वो कोई कुछ भी कहे मना नहीं करती, बहुत अच्छी है। ये बाइक पर आ रहा है? ए कौन है रे ये? भाई जूनियर लगता है, पहली बार जैसे आते वैसे ही आ रहा है। आ, अच्छा मैं इसको देखता हूँ। ए इधर आ, आना जल्दी आ इधर। क्या बात है, नागार्जुन जैसा हेयर स्टाइल, एनटीआर जैसी पर्सनालिटी, पवन कल्याण जैसा स्टाइल, महेश बाबू जैसी ड्रेसिंग। बेटा यहाँ पढ़ने आए हो या लड़कियाँ पटाने आए हो? नहीं जी मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तुम पढ़ने के लिए आए हो लेकिन लड़कियाँ तुम्हें ही देखेंगी। कोई नहीं देखती। मैं बात कर रहा हूँ ना बे। इमीडिएटली तेरे साथ सेल्फी लेंगे। बीच में टांगड़ा है तो भाई डांटेंगे। ए, मारेंगे या प्यार करेंगे तेरे से पूछा क्या? ये क्या भाई, कल सावित्री ने आपके मुंह पे थूकी। क्या बोल रहे हैं, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तुझे दिखने रहा क्या भाई? सारी बातें बता के तू मेरा पोल खोल रहा है यहाँ पे। मैंने इसको रैगिंग के लिए बुलाया था या अपनी पोल खुलवाने के लिए बुलाया था? ए मैं कौन हूँ जानता है क्या? नहीं जानता मैं। ए बता रहे इसको भाई कौन है तुम? ये भाई का नाम लेते ही लोग ठीक कहते और लड़कियां इनके नाम पे थूक देती है। अरे ये बहुत बड़े भाई है, ऐसे भाई है। अरे वो मुंह से निकल गया था, सॉरी भाई। बेटा तू बाद में मिलना, तेरे को देखता हूँ। अरे तू नहीं जानता, जब से कॉलेज बना है भाई इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये कॉलेज बंद होने तक यही रहेंगे। ए तू ज्यादा सड़ा बन रहा है क्या? हाँ फूल इधर ला, ये फूल पकड़ो और वो लड़की जो आ रही है ना उसको देकर आई लव यू बोल। वो मारेगी? मारेगी तो? अरे चुम्मी देगी, जा दे उसको। अबे यही रैगिंग है, जा दे उसको। समझ में नहीं आ रहा, जा जा दे उसको, चल चल। एक्सक्यूज मी, ये आपके लिए? ये तो बहुत खतरनाक लड़की है, आज देख इसका क्या होता है। मेरे लिए व्हाट अ सरप्राइज, आई लव यू, आई लव यू सो मच। क्या कर रही हो? उन लोगों ने दिया ये फूल, ये फूल मेरी तरफ से नहीं है। उसने दिया है, छे और फूल लड़कियों को देना है। नहीं भाई तू फूल देगा तो सब लड़के ले लेंगे। तू जा यार, जा यहाँ से। ओके अरे मुझे माफ कर दे, तू जा यहाँ से जा। अरे मैं फूल देता हूँ तो कोई लड़की नहीं लेती, क्या इस लड़के में? अरे फूल देगे तो क्या ले लेगी, मेरी तरफ फेस वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा तुम्हारी तरफ? Thank you.
आप किस तरफ जा रहे हैं? जिस तरफ आप जा रही हैं, सूरज पूरब से निकलता है, लेकिन ये वासु लड़कियों को फर्स्ट प्रेफरेंस देता है। सच कह रहा हूँ। ये कौन है वासु? पता नहीं। एक अनजान लड़की से ऐसे बात करना सही लगता है क्या? क्या वैनिला, किस जमाने में? आजकल किसी लड़की से बात करने में थ्रिल है। अगर वो डर जाती तो? ये भी थ्रिल है। शादी से पहले अपने दुल्हन को जितना किस करने में थ्रिल है, उसे कहीं ज्यादा थ्रिल एक अनजान लड़की से बात करने में है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। हे, सॉरी सॉरी, प्लीज बैठो। आगे से सब बिल्कुल मत करना। ओके कूल, प्लीज बस से ऐसा काम नहीं करूंगा। सर सौ क्यों सर? चल 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 चल। अरे क्या सर? इतना दिया? सौ दिया सर। संभाल के रखो। ए रुको 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 रुको, बाइक रखो। बाइक तो रुका है सर। इंजन बंद करो, इसके पॉल्यूशन से मेरा फेस काला हो जाएगा। पहले से ही काला है सर, इससे ज्यादा काला हो भी नहीं सकता। तुझे तो मैं पुलिस स्टेशन में बताता हूँ। लाइसेंस है क्या? ब्रांडी शॉप के लिए क्या? हमें बेवकूफ समझ रहे हो? टायर पंचर करूंगा। बाइक का लाइसेंस है क्या? हाँ है। दिखाओ। 50 तो गया। 50 गया तो जाने दीजिए सर, 500 कमाने का चांस है। कैसे? देखिए इसके पास हेलमेट नहीं है सर। हेलमेट कहाँ है भाई? घर में है सर। घर पे है? बाइक को स्टेशन में रखो, कल आके लेके जाना। प्लीज प्लीज, ये प्लीज प्लीज मानने वाले नहीं है, जल्दी से पैसे दे दो। मेरे जेब में पैसा नहीं है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, चल निकाल 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 सर, निकाल जल्दी। कल से हेलमेट पहनूंगा सर। सर प्लीज चल निकाल जल्दी, ज्यादा नाटक मत कर। चल चल जल्दी निकाल जल्दी, नहीं तो आज छोड़ेंगे नहीं तुझे। वो वहाँ मैंने बिना वजह आपको डांट दिया। I'm very sorry. मुझे एक बात पूछनी थी, आपने मुझे बिना देखे वहाँ पे मेरी इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना दी? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आप पता चल जाती हैं। ये लीजिए। अरे नहीं, इसे आप रख लीजिए। नहीं नहीं, प्लीज ले लीजिए, ले लीजिए। इट्स ओके, इसे आप ही रख लीजिए प्लीज। मेरे पास घर में हेलमेट है। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। नहीं प्लीज ले लीजिए। प्लीज, मैंने कहा ना। बाय द वे, आई एम मैनेला। आई एम चंदू। हां, ये क्या यार, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हो? एक दूसरे को भूल गए क्या? क्या नाटक है? ए, तुम कौन हो? अरे बाप रे, मैं कौन हूँ ये भी भूल गया तू? बस यही दोस्ती है। यहाँ पे आके तूने अपना गेटअप चेंज कर लिया। ये क्या ड्रेस पहन के घूम रहा है? ये कौन है? पता नहीं। हद होती है नाटक की। इसको मंत्र आता मैं जानता हूँ, तुझे तंत्र आता है मुझे मालूम है, लेकिन तुम लोग एक्टिंग भी कर लेते हो। तुम लोग को यहाँ नहीं रहना चाहिए। अगर हॉलीवुड में जाओगे तो ऑस्कर अवार्ड लेकर आओगे। लगता है ये पागल है। बाय चंदू। ओके बाय। मैं पागल हूँ? मुझे पागल बोल रही है? कहाँ गया? अरे बाप रे, वनीला ये कौन है? मेरे जानने वाला था। मेरा हेलमेट उसे क्यों दे दिया? मैं तुम्हें नया दिलवा दूंगी, ठीक है? आई लाइक इट। तुम नया नया गिफ्ट दोगी तो ये हेलमेट क्या, अपना दिल भी तुम्हें दे दूंगा। अरे क्या रे, स्कूटी क्या चोरी करके लाया? सुनिए, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। चोरी के मुझे क्या जरूरत है? ये मेरी खुद की गाड़ी है। इंग्लिश में बात कर रहा है ये तो। अरे जैसे आदमी को बहुत दिखाओ। ये स्कूटी नहीं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है। परसों ही बोरिंग करवाया था सर। अच्छा, स्टार्ट करके दिखा। चल तो आप पीछे आके खड़े हो जाइए सर। हाँ खड़ा रहता हूँ एकदम। यहाँ खड़े रहिए सर, थोड़ा लेफ्ट। हाँ ठीक है, स्टार्ट कर। हाँ स्टार्ट कर। अरे ये पेपर मिल की चिमनी है, स्कूटी है? तुमने तो बोरिंग करा था। बोरिंग बोला था सर, सर्विसिंग थोड़ी बोला था। हाँ अरे वो भागा। रुको रुको, स्टॉप स्टॉप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पार्वती की शादी के बारे में पढ़ेंगे। पार्वती की शादी कैसे हुई थी पता है सबको? क्या पार्वती तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? कम से कम सुहाग रात के टाइम तो बुला लेती। अरे गुस्सा मत कर, उसको कब शादी करनी उसे पता है। तुम चुपचाप उधर बैठो वरना मुंह फोड़ दूंगा तुम्हारा मैं। 12 साल से एक ही बात बता रहे हो, कुछ नई बात हो तो बताओ। जब से कॉलेज शुरू हुआ है तब से तू इधर पढ़ रहा है। अरे
तू कॉलेज में आया था, मेरे अमिताभ बच्चन जैसे बाल थे, अब अनुपम खेर जैसे हो गए हैं मेरे बाल। देखना ये टाइटैनिक फिल्म के हीरो जैसा लगता है ना, बहुत हैंडसम दिखता है ना। हाँ हाँ, तुम मत देखो, हम इसे लाइन मत देखो। ये काला कौवा इन लोगों को हैंडसम लग रहा है। छी, ये वो नहीं है, इसके बगल वाला है। क्या है राजकुमारी पद्मावती, तुमने कोई राजकुमार देख लिया क्या? एक सुंदर लड़का दिखा नहीं, लव 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 शुरू हो जाता। तुम लोगों का क्लास है या लव पॉइंट है, क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? जब देखो तब लव 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 लेटर यही पास करते रहते हो तुम लोग। तेरा नाम क्या है रे? चंदू। बैठ जा, तू मुझे इन लोगों से अलग दिखाई देता है, इन छिछोरों के चक्कर मत पड़ना तू, समझा क्या? तो क्या आपके साथ दोस्ती करनी चाहिए? तू मुझे गुस्सा मत दिला, अगर मैं भड़क गया ना तो तेरी। भड़क गया तो क्या कर लोगे मेरा? क्या करूंगा, पढ़ाई शुरू करवा दूंगा मैं फिर से। पार्वती की शादी जो है सर, ये चारों बुक की एंट्री कर लीजिए। सॉरी, मेंबर्स को सिर्फ दो ही बुक दी जाती है। ऐसा क्यों? ये रूल्स है भाई, ये दो बुक लो और दो बुक रख दो। ये बुक्स मेरे कार्ड में। ठीक है। अच्छा, आप मुझे आप मत कहिए, मेरे नाम से पुकार सकते हैं, मेरा नाम तो मैंने बताया था ना। थैंक यू रिंकी। तुम्हें कैसे पता मेरे घर का नाम रिंकी है? मैंने तो वैनिला बताया था ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बोले पता चल जाती। साइन करो। थैंक्स। किसने? पहले तुम पढ़ लो, उसके बाद मुझे दे देना, इस तरह हम एक्सचेंज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, बाय। इतनी जल्दी में क्यों हो? कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूँ, बाय। ओके बाय। सुनो, तुम्हें जरूरत पड़े तो क्या करोगी? मेरे कोटे में लगी। मेरे कोटे में लीजिए ना, जितना चाहिए मैं देता हूँ। क्या देगा, अब तक 40 किताब बेच के खा गया है और ऊपर से पेपर भी लेके जाता है तो लाता नहीं है। वो सब हम आपस में बाद में देख लेंगे, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। तुझसा ना देखा हसीना। अच्छा, ऐसा है क्या? कहता है ये दिल। हाँ हाँ, एक पल भी देख बिना क्या हुआ? जीना हुआ मेरा मुश्किल। ऐसा क्या? चाहत है तू मेरी और धड़कन भी तू है, मैं हूँ तेरा सजन और सजनी तू मेरी। वो लड़की चली गई। यहाँ बारिश नहीं हुई क्या? बारिश? अरे प्रेम की बारिश। लाइब्रेरी के अंदर कैसे बारिश होगी, दिमाग खराब है क्या तेरा? तो क्या मैं सपना देख रहा था, प्यार की बारिश में भीग रहा था। ये देखो सर, बारिश की बूंदें गिर रही हैं। जी जी, पागल है क्या? ऊपर से बाथरूम का पानी लीक हो रहा है। तभी बहुत बाहर आ रहा था, मैं तो समझा आपके अंदर से आ रहा है। कॉलेज कैसा लगा? बहुत अच्छा है। सच में तुम्हें अच्छा लगा? वहाँ मुझे एक फ्रेंड मिल गया। हे, बी केयरफुल, किसी से ज्यादा क्लोज मत होना। जिसे जानते हैं उसके क्लोज जाने में थ्रिल होगा क्या? थ्रिल तो अनजान लोगों से होता है। अनजान लोगों के थ्रिल से डर जाए तो और अच्छा होगा। अच्छा, तुम भी तो ऐसा ही सोचते हो ना बासु? मेरा डायलॉग मुझे ही मार रही हो। कोई और समझाए तो अच्छा नहीं लगता ना। बासु रुको रुको, लगता है ना कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बेटा, ये स्टार्ट ही नहीं हो रही। इस उम्र में अगर आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते तो इसे भंगार में बेच कर एक कोने में बैठकर राम नाम के जप करो। एक बार देख लो बेटा, इसे देखना टाइम वेस्ट है। इनकी मदद करो ना बासु। अगर इस तरह सबकी मदद करते रहेंगे तो आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। एनी प्रॉब्लम सर? बताऊंगा तो तुम भी डांटोगे बेटा। रुकिए, मैं देखता हूँ। घबराइए मत सर, स्कूटर को देखता हूँ। लीजिए, स्टार्ट हो। थैंक यू बेटा। Thank you.
पहले से नहीं जानती, लेकिन उसके इतने क्लोज कैसे आ गई मैं? ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? ये क्यों दिखाई दे रहा मुझे? मामा, मामा उठो, मामा, हे मामा। क्या हुआ, क्या बात है? मैंने एक सपना देखा, सपना देखा मैंने एक। सपना देखा? सपने में क्या देखा, चल बता मुझे। क्या है? मैंने सपने में देखा कि वनीला की गर्दन पर यहाँ एक तिल है। ऐसा सपना क्यों देखा? मामा, कैसा सपना था? मुझे लगता है तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। मामा, मजाक की बात नहीं है, क्या उस लड़की की गर्दन पर यहाँ पर सच में तिल होगा? उस लड़की की सुहागरात के बाद उसके पति से पूछेंगे तो वो हमें डिटेल में बताएगा कि कहाँ कहाँ उसके तिल है और कहाँ कहाँ तिल नहीं है। मजाक मत करो। नहीं तो क्या करूँ? मैं आपको कैसे समझाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सोच ही नहीं रहा, फिर भी सपना आ रहा है। छह, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। दीदी, दीदी, शीशे सा बदन ये तेरा, उस पे शौक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी। शीशे सा बदन ये तेरा, उस पे शौक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी। तेरी आके ये आके कुछ कहती है मुझको, तेरी जुल्फे कैसे संभलेगा पागल दिल, ये हुआ है दीवाना। मारे कुछ भी ना मेरा कहना, होके अनजाना। शीशे सा बदन ये तेरा, उससे शौक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी। और धड़कन भी तू है, मैं हूँ तेरा सजन और सजनी तू मेरी है, बिन तेरे मैं कैसे रहूं। ऐसा बदन ये तेरा, उस पे शौक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी।
दुनिया, तुझसे है मेरी खुशियाँ, सीने से लगा अब तो चल मना ले रंग रलिया, एक पल ना जुदाई सहूं, शीशे सा बदन ये तेरा, उस पे शोक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी, तेरी आगे ये आगे कुछ कहती है मुझको, तेरी जुल्फे ये जुल्फे पागल करती मुझको, कैसे संभलेगा पागल दिल ये हुआ है दीवाना, माने कुछ भी ना मेरा कहना होके अनजाना, ऐसा बदन ये तेरा, उस पे शोक जवानी तेरी, पतली कमर लचकाए से देख के जिसको चाहत भर के मेरी, वनीला। हाँ? हाय। हाय। बैठो ना, प्लीज। चलो ना वासु। हाय। बैठिए ना। थैंक यू। यहाँ कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही। बीच पे हम क्यों आएंगे? घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। इसमें कौन सी नई बात है? क्या लाऊं सर? मुझे बटर। ओके सर। अरे आप कैसे जानते हो मुझे बटर स्कॉच पसंद है? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना बोले पता चल जाती हैं। ये तो आश्चर्य की बात होगी ना? हे, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? एनीवे चंदू, अगले शुक्रवार को मेरी और वेनिला की शादी है। असल में हमारी शादी बहुत पहले ही होनी थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई इसलिए लेट हो गई। एक्चुअली बचपन में ही हमारी शादी मम्मी पापा ने तय कर दी थी। अब हमारे घर वाले हमारी शादी कितनी जल्दी हो जाए बस इसी का इंतजार कर रहे हैं। अरे वाशु अभी तक नहीं आया? वो आ जाएगा माँ, किसी फ्रेंड के घर जा रहा हूँ ऐसा कह के गया था वो। ये क्या है जी, हमेशा शुभ काम के टाइम पे लाइट चली जाती है। अभी हल्दी डालते वक्त पावर कट हो गया, लेकिन जब मैंने तेरे गले में मंगलसूत्र डाला था तब भी पावर कट हुआ था। भगवान ने ये संकेत दिया है कि तुम्हारी जिंदगी में हर समय अंधेरा ही रहेगा, इसका पता तो हमें अब चल रहा है। जोक मत मारो, जाओ पहले मोमबत्ती ढूंढ कर लाओ, जब देखो तक फालतू बात। एक्सक्यूज मी, वेनिला है क्या? हाय वेनिला। हाय चंदू, व्हाट अ सरप्राइज, ये क्या तुम अचानक आ गए? मैं तुमसे कुछ काम के लिए मिलने आया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मम्मी, इसका नाम चंदू है और ये मेरा फ्रेंड है, अभी कुछ दिन पहले ही से जान पहचान हुई, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। चंदू, ये मेरी मम्मी और डैडी। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। चलो चंदू। सॉरी चंदू, मेरी मम्मी ऐसे ही हैं, बुरा मत मानना। ये यहाँ क्यों आया है? मैं अभी जाकर इसे घर से भगा कर आती हूँ। क्यों मारोगी उसे? उसे पुरानी बातें खुद याद आ जाएंगी, उसे जाने दो, हम अपनी बेटी को प्यार से समझाएंगे। रिंकी, आज फ्रेंडशिप डे है ना? हाँ। इसलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रेंडशिप बैंड लाया हूँ। रियली? वाह, दिखाओ तो। ले बांधो। आज से हम दोनों हैं बेस्ट फ्रेंड्स। यस, बेस्ट फ्रेंड। जो मन में आता है वही बकवास करती है। चुप रहना, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। रिंकी, मैं चलता हूँ। ओके। नमस्ते अंकल। हाँ, नमस्ते आंटी। आप मुझे देखकर नाराज हो गए क्या आंटी जी? मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। कुछ नहीं बेटा, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था, तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं अंकल, बाय बाय। बाय चंदू, वन मिनट। ये लो, मेरी शादी का इनविटेशन कार्ड। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही इनवाइट कर रही हूँ। रिंकी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। बाय चंदू। क्यों बेटी? ये लड़का तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड है या और कुछ? और कुछ क्या होगा मम्मी? नहीं, वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, कुछ प्यार व्यार का। तुम बेकार की बातें करना बंद करो, मेरी शादी होने वाली है और तुम हो कि ऐसे बेकार की बातें कर रही हो।
वो बस फ्रेंडशिप बैंड बांधने आया था मुझे। अगर आपको गलत लगता है तो ठीक है, मैं इसे निकाल देती हूँ। नहीं बेटी, तुम अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हो, जाओ जाके पढ़ाई करो। डैडी, मम्मी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं प्यार किसी और से करूं और शादी किसी और से, ऐसा कैरेक्टर मेरा बिल्कुल नहीं है माँ। अगर मैं किसी से प्यार करती तो मैं शादी भी उसी के साथ करती, समझ गई ना? दोबारा मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइएगा आप, ओके? माइंड इट। आउच। अरे चंदू इधर आना। क्या मैं बुला रहा हूँ? क्या हुआ, क्या बात है? से हाँ, क्या है? है लो ना, पकड़ो, दोनों की शादी होने वाली है। ये से प्यार कर रहा था, वो इस लड़के से शादी करेगी, क्या चल रहा है? क्रॉस लव स्टोरी पहली बार सुना मैंने। अरे बाप रे, बहुत कंफ्यूजन है यार। बेटा वनीला, जरा यहाँ ना बेटा, यहाँ जाओ। मैं? हाँ हाँ, तुम आ जाओ आ जाओ। अरे आना, आ जा आ जा। क्या है ये लड़का, तेरा क्या लगता है? वो हाँ, मेरा होने वाला पति। अरे बाप रे, होने वाला पति? हाँ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम इससे प्यार करती हो, पार्क में करती हो, सुपर मार्केट में करती हो, और अब चेंज? हाँ बुला बुला, मैं डरता हूँ क्या? ये कह रहे हैं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। क्या कर लेगा तू मेरा? अबे कौन है बे जो मेरे को धक्का मार रहा है? अरे वाह 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 वाह, तुझको तो मैं कोका बोला सर। कोका? वो गोदावरी गंजे के बाप का बेटा। अरे वाह वाह वाह, अरे कोका कोला तू बहुत दिनों बाद मिला है। एक बात बोलूं, कोका कोला पीने वाला आदमी तुम्हारी वजह से शराबी बन गया। क्या संबंध है तुम्हारा मेरा? क्यों, तुम्हारा मेरा संबंध नहीं है? नहीं है संबंध? नहीं है, नहीं है। अरे आपने मुझे लफा क्यों मारा सर? तुम्हें नहीं मानना चाहिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तुम नहीं मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए ना। एक काम कर, इसको पकड़, ज्यादा पकड़ो। सुन बे, मेरा कॉन्सेप्ट चुरा के, मेरा कोट मार के, और हैट को भी मार के, ये सब लेके गली गली में घूमते रहता तेरी तो। अरे मार क्यों रहे सब? जवाब मानना नहीं चाहिए, जवाब दो मुझे। हाथ नहीं लगाना चाहिए, तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए। ए, अगर तू यहाँ से हिला तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तुझे मैं बहुत मारूंगा, बहुत मार पड़ेगी। स्टडी खड़े रहो, ऐसे हाथ बांध लो। वेरी गुड, आज तो मुझसे नहीं बचेगा, मैं चाकू घुसा दूंगा। मैं तुझे चाकू भी नहीं मारा तो चिल्ला क्यों रहा है? अरे चिल्लाया तो तुझे काट काट के, काट काट के मिर्ची पाउडर लगा के किसी को खिला दूंगा। अब सुन, यह कोट निकाल के मुझे पहना, यह हाट निकाल के मेरे सर पे रख। क्यों रखूं मैं भला? नहीं रखेगा? इस कोट को जल्दी से निकाल के पहना। चलो इसको उठा, सीधा कर, सीधा कर, सीधा करता हूँ सर, सीधा करता हूँ। रख दिया, इसको मार क्या? रख दिया। वो कौन सा जेल है सर? ये जेल क्या होता है मुझे क्या पता है? अरे वो हाँ, तिहाड़ जेल सर। तिहाड़ जेल में चला जाऊंगा। कोट निकालो, जल्दी निकाल, ये कटप्पा शंकर को धोखा देगा तू। नहीं सर। चाकू मुझे दे, हाट भी निकाल, सर पे रख, होटल दे, ये लीजिए, यहाँ पे लगा, निकाल। जी क्या कहा? मैंने बोला यहाँ से निकाल। किसी का कॉन्सेप्ट मार के आगे नहीं बढ़ना, खुद के दिमाग से आगे बढ़ना चाहिए। अगर किसी ने धोखा दिया तो मेरा नाम याद रखना, कटप्पा शंकर, हैदराबाद। नीला, सारे कपड़े रख दी क्या? मम्मी, ये किसके रिंग है? ये रिंग
हाँ, ये वाशु तुम्हारे एंगेजमेंट में दिया था। मैंने कब दिया था? तुम सब गड़बड़ करते हो, सब भूल जाते हो। ये मंगनी के टाइम पे तो तुमने दी थी। हाँ, ये मैंने दी थी। लॉ पहना देता हूँ। नहीं, वैनिला, तुम डॉक्टर से चेकअप करा के जल्दी से वेडिंग कार्ड देख लेना। ठीक है मम्मी। वैनिला, हाँ, टेक केयर। ओके, बाय बाय। हाय वैनिला। हे चंदू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, तुम? मैं भी वहीं जा रही हूँ। I see. आजा बैठो। हाँ। मैं अकेला जा रहा था तो सोचा बोर होगा, लेकिन अच्छा हुआ तुम मिल गई। I'm very happy. I'm also happy. टिकट निकाल लो, हम भी हैप्पी हो जाएंगे। वैनिला, हम दोनों की टिकट मैं ले लेता हूँ। नहीं, मैं लूंगी, तुम रहने दो। अरे नहीं वैनिला, मैं लेता हूँ ना। प्लीज चंदू, मेरी बात मानो, मैं खुद ले लूंगी। अरे आप दोनों एक काम करो, आपका टिकट आप ले लो और आपका टिकट आप ले लो। टिकट टिकट ये लो, ये तुम्हारी टिकट। टिकट ये रही तुम्हारी टिकट। जब भी मैं चंदू को देखती हूँ मुझे कुछ याद आता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी वनीला को देखता हूँ मुझे बहुत सारी चीजें क्यों याद आने लगती हैं? पापा, आप खुश हो ना? मम्मी कहाँ है? अंदर आओ। क्या हुआ पापा? बताता हूँ ना, आजा। कब आया बेटा? अभी आया माँ। तुम चलो मेरे साथ। कौन है ये लड़की? क्या है पापा, इसे वहां से भगा के लाया क्या? नहीं पापा, मैं उस लड़की को भगा कर नहीं लाया हूँ यहाँ। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। फ्रेंड? हाँ पापा, उसकी शादी होने वाली है इसलिए इनवाइट करने आई है। किसके साथ? वासु के साथ। ठीक है, आओ। मैंने कहा था ना, मेरी फ्रेंड है, ये वनीला है। वनीला, ये मेरी मम्मी, ये पापा। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। बैठ जाओ। बैठो। इसने अभी बताया बेटा, तुम्हारा मैरिज फिक्स हो गया? हाँ अंकल। वेरी गुड। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, शादी में जरूर आइएगा। शादी में आएंगी ना आंटी? क्यों नहीं आएंगे बेटा, जिसके साथ होनी थी हो नहीं पाई, तुम्हारी शादी में जरूर आएंगे। इसका क्या मतलब है आंटी? वो क्या है बेटा, अगर 10 दिन पहले शादी के बारे में हमें पता चलता तो सब छोड़ के हम आ जाते तुम्हारी शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन अभी पता चलने पे भी आएंगे ये कह रही। तुम्हें आए हुए बहुत देर हो गया है, जाओ फ्रेश हो जाओ, ले जाओ इसे, ले जाओ। चलो बेटा। ए, तू क्या पागल हो गई है? हाँ जी, इतनी अच्छी बहू को हमने खो दिया तो पागल ही हो जाऊंगी। सुनिए जी, याददाश्त वापस आ जाएगी तो हमसे पूछेगा कि हम लोगों ने उसकी जिंदगी के बारे में क्यों नहीं बताया, फिर क्या जवाब देंगे? कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो भी मैं समझा दूंगा कि तू चुपचाप बैठ। समझी क्या तू? बताइए डॉक्टर, उस लड़की को देखकर मुझे बार बार ऐसा क्यों फील होता है? कुछ लोगों को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है
कि जैसे हम कभी पहले मिले हुए हैं, या फिर उनसे कोई पुराना रिश्ता है। लेकिन हमारे बीच में ये अजीब सा, ये कैसा रिश्ता है डॉक्टर? मम्मी पापा साथ में नहीं आए बेटा? वो मेरी शादी के काम में बिजी है डॉक्टर। शादी के काम में? हाँ डॉक्टर, मेरी शादी वासु से तय हो गई है। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आपको जरूर आना होगा। तो तुम्हारी शादी वासु से फिक्स हो गई है? हाँ डॉक्टर। अच्छा, मुझे आपसे एक और बात करनी थी। बोलो बेटी। कॉलेज में मेरी एक लड़के से दोस्ती हो गई है, उसका नाम चंदू है। चंदू? चंदू के बारे में जितना बताऊं उतना कम है डॉक्टर। वो बहुत समझदार लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है डॉक्टर। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है। चंदू, तुम शादी की बात छोड़ के चंदू के बारे में मुझे बता रहे हो, इसका मतलब बहुत पसंद है तुम्हें। यस, चंदू तुम्हें अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा क्यों? कुछ बातें ऐसे ही होती हैं, अनजान लोग अच्छे लगते हैं, इंसान को अपने आप मिल जाते हैं। मैं समझी नहीं। इससे ज्यादा समझाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए आंटी, बेसमेंट बनाए बिना घर बिल्कुल नहीं बन सकता। तय होने से रिश्ता नहीं बन जाता। वेडिंग कार्ड प्रिंट हो जाने से क्या शादी हो जाएगी आंटी? ये शादी कैसे होगी हम भी देखेंगे। चलो रे। ऐसा कुछ मत करना। सुमा, हम लोग प्यार करके शादी कर लिए, ये भगवान की कृपा है कि हम दोनों को मिलाया। दुख इस बात का है, चंदू और विनेला का प्यार हमारे सामने विफल हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। हाँ जी, ये प्रकृति भी क्या क्या खेल करती है। सुमा, मैं उस लड़की को बताना चाह रहा था लेकिन मैं मजबूर हूँ, प्यार ने ही उन दोनों को मिलाया था। हेलो, कौन? मैं बोल रही हूँ वासु। ये क्या है, कहाँ हो, कितनी देर हो रही है? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा और अब तक नहीं आए। कहाँ पर? कहाँ क्या, सुबह मम्मी ने तुमसे कहा था ना कि शादी से पहले हम दोनों को मंदिर जाना है मन्नत मांगने के लिए। सॉरी वनीला, तुम चली जाओ ना। मैं अकेले कैसे जाऊँ, हम दोनों को साथ चलना चाहिए। मंदिर जाने से जरूरी काम और क्या हो सकता है? वो क्या है, मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड दे रहा हूँ, ये मंदिर से ज्यादा जरूरी काम है। ओह सॉरी वासु, तुम्हारा फ्रेंड अब कैसा है? मैं अस्पताल आऊँ क्या? नहीं नहीं नहीं, वो अब ठीक है, मैं देख लूंगा। ओके वासु, टेक केयर। तुम्हारा फ्रेंड जैसे ही ठीक हो जाएगा ना मुझे फोन करना। हाँ बिल्कुल। क्या भाई, तुम झूठ बहुत आसानी से बोल लेते हो। क्या करें, सच बोलने पर कोई मानेगा ही नहीं। बहन जी, किसके नाम पे पूजा करवानी है? मेरे बासु का फ्रेंड अस्पताल में है, बासु से ब्लड दे रहा है लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानती हूँ, उसी के लिए पूजा करनी है पंडित जी। ठीक है बहन जी। ओम श्री लक्ष्मी नरसिम्हाय नमः। ये कुमकुम उसे जाके लगाओ, सब ठीक हो जाएगा, कल्याण हो। ड्राइवर, वासु कौन से अस्पताल में है तुम जानते हो? वो अस्पताल क्यों जाएंगे मैम साहब? तुम्हें पता नहीं है क्या, बासु के फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, बासु उसे ब्लड दे रहा है। आप भी ना मैम साहब, वो तो अपने दोस्तों को बाहर में पार्टी दे रहे, मुझे भी बुलाए थे, लेकिन आप यहाँ मंदिर मंदिर माथा टेक रही हो। ठीक है, वही लेके चलो। मेरे पीछे पड़े देखो, लाखों दिल फेंक के देखो, करूँ तुम्हें क्या करूँ, है क्या कहता है रे दीवाना। You hear?
कहना हर खुद से अनजानी है। दिल क्यों मेरा दीवाना है, हर गम से बिगाना है। आके मुझे तू गले से लगा, प्यार का ज्वाला तो दिल में जला, प्यार से मेरी तू प्यास बुझा, माने ना पागल दिल ये दीवाना, बोले ये हुला ला ला। छूना ना छूना ला मुझको कभी, छुएगा जो हमको वो तो गया, माने ना पागल दिल ये दीवाना, बोले ये हुलाला। वेनिला, दर्शन अच्छे से हुआ क्या? ये क्या, तुम मंदिर से आकर ऐसे क्यों लेट गई हो? वेनिला, वेनिला, क्या हुआ बेटी, तू क्यों रो रही है? अभी क्या होना बाकी है मम्मी? मंदिर जाने के लिए कहा तो फ्रेंड के एक्सीडेंट का बहाना बना दिया, उसे ब्लड दे रहा हूँ ऐसा झूठ कहा, और वहाँ शराब पीकर लड़कियों के साथ नाच रहा है, मस्ती कर रहा है वासु। अभी तो ऐसी हालत है, शादी होने के बाद वो क्या क्या करेगा ये सोच के मैं डर जाती हूँ, मुझे उसकी बात झूठ लगती है मम्मी, मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं लगती, उससे बात करने का मन नहीं करता, तो तुम ही बताओ मम्मी, मेरी शादी अगर उससे हो जाती है तो मैं वैसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ कैसे जी पाऊंगी? तुम पागल हो गई हो क्या? आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, आम बात है, अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। अरे बेटी, जब कल तुम्हारी शादी होगी तो उसे सुधार लेना। अरे अब ये रोना धोना बंद करो बेटा, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं और तुम रोना धोना कर रही हो, मत रो बेटा। आंटी पूजा जी, ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ
निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम अथ पाणिग्रस्त। हे, तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? आंटी ने हमें शादी में बुलाया था, इसलिए हम लोग आ गए हैं। तुम लोग यहाँ बैठो, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में मिलता हूँ, चलो बाय। अरे, ओम लक्ष्मी नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चरुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अरे बेटा, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम हमारे मेहमान हो, तुम वहाँ बैठो। ये क्या अंकल, मुझे मेहमान कहकर मुझे अपने से दूर मत कीजिए, मैं भी तो घर का ही हिस्सा हूँ ना। गुड। सुनिए जी, बेटे के साथ जो हो रहा है वो दुनिया में किसी के बेटे के साथ ना हो। जिस लड़की के लिए उसने जान देने की कोशिश की, आज उसी की शादी में शामिल है। अरे यार, तुमको इतना समझाए समझते नहीं हो। जो कुछ भी चल रहा है उसे प्यार से चलने दो, बस इसी में भलाई है, आशीर्वाद दो बस। ओम पितराय नमः, ओम सर्वदेव नमः। बच्ची के हाथ में दो। अंकल वहाँ है, चलो आओ जाके पूछते हैं। हाँ चलो। क्यों अंकल, अब आप ये सब देखकर खुश हैं? ये नाइंसाफी है अंकल, वनीला की शादी किसी और से हो रही है, अभी तो आप खुश हो ना। चुप हो जाओ तुम लोग। अब हम लोग क्या करें, जाकर उनसे पूछे कि अपनी बेटी की शादी उन्होंने किसी और से क्यों करा दी, मेरे बेटे से क्यों नहीं कराई। जानते हो, बेइज्जती करके भगा देंगे सब हमें। चुप रहो, चलो शांत रहो, बस जो हो रहा होने दो, हमें जा रहा बात। चलो आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। हाँ हाँ बैठ जाते, आओ आओ। हाँ चलो बैठ रहे, बैठो चल बैठ जाओ। अवाहनम न जानामि न जानामि तवर्चनम पूजाम च न जानामि क्षमतां परमेश्वरी अखंड मंडलाकारं व्याप्तनेन चराचरम। सुनिए, एक मिनट इधर आना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी। क्यों, आप हमें शांति से जीने नहीं देना चाहती ना? सात समंदर पार करेंगे तो भी हमारा शनि पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मेरी बेटी की शादी में गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लो। सुनिए जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। हम ये शादी रोकने के लिए नहीं, दूल्हा और दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ आए हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम चंद्रमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पतये नमः। यहाँ आने के बाद हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो सुमा, अब वो पुरानी बातों को याद करके कुछ फायदा नहीं है। चलो अथ पाणिग्रह संस्कार संपूर्णम्। चलो अरुंधति को प्रणाम करो। वो देखिए, अरुंधति नक्षत्र दिख रहा है, सब लोग प्रणाम करिए। चंदू,
लड़की को छोड़ बाहर आ जा। डेनिला, अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम वासु की पत्नी हो, छोड़ो उसे। रुको, अग्नि के सामने पहनाया हुआ मंगलसूत्र पानी में बह गया और गंगा माँ खुद इनको आशीर्वाद दे रही है। अब ये वासु की पत्नी नहीं रही, उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं। भगवान ने इन्हें फिर से मिला दिया। अगर हम लोगों ने इन्हें अलग किया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। हाँ माँ जी, हम सब आपके हाथ जोड़ते हैं, चाहे तो हम सब आपके पैर भी पकड़ सकते हैं। मान जाओ आंटी, लेकिन इन्हें कभी अलग मत करना माँ जी, प्लीज। ये आपके बेटे से बहुत प्यार करता है और दोनों को एक दूसरे से अलग मत करो। अगर हमने दो प्यार करने वालों को जुदा किया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। चंदू वनीला को खुश देखना चाहता हूँ। तुम एक औरत होकर कुछ भी सोचो, कम से कम एक माँ की तरह तो सोचो। चंदू मम्मी, चंदू